हम इस समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। पूरे देश की जो यूनिवर्सिटियां हैं, आप लोग जान रहे हैं कि उनका संघीकरण कर दिया गया है। एससी एसटी ओबीसी बच्चों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, पूरे देश की यूनिवर्सिटियों से तमाम खबरें आ रही हैं। आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ये मामला है, यहाँ पर शोध छात्रों को पीएचडी करने से रोका गया है, उनका एडमिशन ले लिया गया, वो एग्जाम में पास हो जाते हैं, पैनल में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनको पीएचडी करने से रोकने के लिए तमाम प्रकार का बहाना बनाया जा रहा है। आज कुलपति से हम लोग मिलने आए हैं, लेकिन ये कुलपति ने इसके पहले एक बैठक की और बैठक में भी उन लोगों ने निर्णय लिया कि इन लोगों को पीएचडी करने से रोका जाएगा। सारे बच्चे एससी एसटी ओबीसी समाज से हैं और इसी के नाते एक जो मानसिकता है कि इनको किसी भी तरीके से रोकना है, उसी मानसिकता के तहत ये काम किया जा रहा है। तो हमारे साथ पीएचडी कर रहे हैं कमलेश यादव जी, हमारे साथ हैं कमलेश यादव जी, उन्हीं छात्रों में से एक हैं। अभी आप विस्तार से बताएंगे कि क्या हो रहा है और किस तरह से ये प्रशासन साजिश रच करके एससी एसटी छात्रों को पीएचडी करने से रोकना चाहता है। तो आपने कब एडमिशन लिया इसमें? एडमिशन हम 2019 में लिए हैं, छह साल तक रेट का परीक्षा विश्वविद्यालय गोरखपुर में बंद था, छह साल बाद बहाल हम लोग करवाए थे प्रोटेस्ट के माध्यम से करवा के, और जब रेट का एग्जाम हुआ तो हम लोगों ने एग्जाम दिया, क्वालिफाई भी किए और इंटरव्यू में भी नाम आया हम लोगों का, इंटरव्यू का पैनल भी 10 लोगों का बना था, उसमें भी हम लोग सेलेक्ट हुए और यहाँ तक कि हम लोग फीस जमा किए और 4-5 महीने लगभग सैकड़ों छात्रों की बात ये मैं कह रहा हूँ कि सब लोग 6 महीने तक क्लास किए, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आपका पीएचडी निरस्त हो जाएगा, आपको पीएचडी नहीं करने दिया जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2015 में, 2016 में, 17 में, 2014 में ऐसे करके छात्र हैं जो आज के डेट में पीएचडी सेम रेगुलेशन सेम क्राइटेरिया में पीएचडी कर रहे हैं, उसी रेगुलेशन के हिसाब से हम लोगों का भी पीएचडी कराना चाहिए, लेकिन हम लोग को बाहर किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि ओबीसी एससी माइनॉरिटी क्या बता रहे हैं लोग, कारण ये बता रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन है और ये खुद का अपना गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक नियम बनाए हुए हैं कि ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन जिसका रहेगा उसको पीएचडी से वंचित किया जाएगा, और अगर आज ये नियम ये लोग लागू किए हैं तो इसके पहले जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं वो भी थर्ड डिवीजन है कैसे कर रहे हैं, ये जवाब दें कुलपति जी। नहीं तो आपको कैसे इनरोल कर लिया, अगर जैसे आज इन लोगों को समझ में आ रहा है कि थर्ड डिवीजन बच्चों को नहीं करने दिया जाएगा तो इन्होंने इनरोल कैसे किया आपको? इनरोल ये लोगों ने, अगर जिनका नियम बना हुआ है खुद का गोरखपुर विश्वविद्यालय खुद का रेट का ऑर्डिनेंस ये लोग बनाए हैं, तो अगर जो इनका नियम है तो हमारा कैसे फॉर्म एक्सेप्ट किया, फिर उसको एग्जाम में हमको बैठाया गया, एग्जाम में बैठाने के बाद फिर इंटरव्यू मुझसे लिया गया, फीस जमा कराया गया, 3-3, 4-4 महीना क्लास कराया गया, मेरा पूरा साल बर्बाद हुआ है। अब जाके ये लोग कह रहे हैं कि आपको पीएचडी से बाहर किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे छात्र हैं जो सेम क्राइटेरिया में, जो इनका ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन है, वो पीएचडी कर रहे हैं, अवार्डेड होने वाले हैं, पैसा उठा रहे हैं आरजीएनएफ के माध्यम से, कैसे कर रहे हैं इनका जवाब कुलपति जी दे हमको, अगर जो करना है उनको तो सबका करें, नहीं तो सबका एक साथ निरस्त करें। ये जो छात्र हमारे साथ खड़े हैं ये कमलेश यादव जी हैं। कमलेश यादव जी को बाहर करने के पीछे का कारण ये है कि ये यूनिवर्सिटी में बहुत एक्टिव छात्र हैं, एस सी एस टी ओबीसी के मुद्दों को लेकर के हमेशा लड़ते रहते हैं, विश्वविद्यालय में जो भी छात्र हितों की बात होती है तो ये सबसे आगे बढ़ करके लड़ते हैं, इनके ऊपर कई दर्जन मुकदमे भी करा चुका है प्रशासन, लेकिन इसके साथ साथ ये इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और ये पीएचडी करना चाहते हैं, एक साल की पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन इनको केवल बाहर करने के लिए, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये जो लोकतंत्र और संविधान विरोधी जो सरकार है उसके खिलाफ ये जो इस यूनिवर्सिटी से आवाजें उठ रही हैं उसको दबाने के लिए कमलेश यादव जी को बाहर किया जा रहा है। कमलेश यादव जी वही छात्र हैं जिनके प्रयास से यूनिवर्सिटी में एक परिवर्तन आना था, इस यूनिवर्सिटी में कभी सवर्ण को छोड़ करके कोई किसी जाति का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बना था इस यूनिवर्सिटी में, छात्र संघ चुनाव में इन लोगों ने मेहनत करके पहली बार इस देश के इतिहास में, इस यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार इस गोरखपुरी विश्वविद्यालय में एक ओबीसी को छात्र संघ अध्यक्ष बनाया था, और उसके बाद से जो ऊर्जा आई थी एससी एसटी ओबीसी छात्रों के बीच में और बड़ी संख्या में वो लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई शुरू कर दिए थे, हालांकि योगी जी ने उसके बाद से यहाँ छात्र संघ चुनाव भी कराना बंद कर दिया था, उसका आंदोलन भी कमलेश यादव जी लड़ रहे हैं कि उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि यहाँ पर छात्र संघ चुनाव को शुरू कराया जाए, कि जब छात्र यूनियन नहीं रहेगा तो ये यूनिवर्सिटी और ये जो प्रशासन है यूनिवर्सिटी प्रशासन वो इसी तरह से अपनी मनमानी करता रहेगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप इनका हम सारा लेटर एंट्री फॉर्म और
जो एडमिशन लेटर वो सब हम इसमें डाल दे रहे हैं। आप अपने अपने पैड से अपने अपने संगठन के माध्यम से MHRD को UGC को सबको लेटर लिखें और इनके लिए न्याय की मांग करें। निश्चित तौर पर अगर आप इनका साथ देंगे तो ऐसे तमाम छात्र हैं और तमाम यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर ये ऐसा हो रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस मामले में आज कमलेश यादव आए इस नाते ये आवाज़ उठ रही है। आज अभी इस आवाज़ को आपको बल देना है, ताकत देना है, ताकि इनको न्याय मिल सके। आप सभी लोगों को धन्यवाद।